Assalamu alaikum. This is Umema Shakoor from the LIMS University. So now our lecture is lecture number 3. The course title is Waves and Oscillations and the course code is 104. पहले वेव्स एंड ऑसिलेशन के दो लेक्चर ले चुके हैं, तो आज हमारी थर्ड क्लास है, लेक्चर नंबर 3 है। हम तो प्रीवियस लेक्चर के पहले रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे हमने। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था हार्मोनिक ऑसिलेशंस का, हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट चैप्टर में आपने जो पढ़ा था उसमें आपने सबसे पहले मास शिफ्टिंग सिस्टम पढ़ा था कि मास शिफ्टिंग सिस्टम होता क्या है। उसके बाद उसी मास शिफ्टिंग सिस्टम में हमने ये देखा था कि हम मीन पोजीशन कहाँ पर लेते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन को हम कहाँ पर लेते हैं। इसी मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पर हमने एनर्जीज फाइंड आउट की थी, और एनर्जीज आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है कि एनर्जी को हम डिवाइड कर देते हैं दो टाइप्स में, एक को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं, दूसरी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। और ये भी आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है वो पोजीशन के साथ होती है और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मोशन के साथ होती है। तो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल को लेते हुए हमने ये दोनों एनर्जीज फाइंड आउट की थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हमने इस वाली जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसे हमने नाम दिया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है और स्प्रिंग में एबिलिटी है इलास्टिसिटी की, तो इसलिए हम इसे नाम दे देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। फिर हमने देखा था कि टोटल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और टोटल एनर्जी जो हम फाइंड आउट करेंगे क्या वो कंजर्व्ड भी है या नहीं कंजर्व्ड, और हमने ये प्रूव किया था कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल को लेते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करें। फिर हमने उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस तरह ज़्यादा हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इसी के लिहाज से ऐसे इस तरह से कम हो रही है, जिसमें से हमने एक कर्व को नाम दिया था पोटेंशियल एनर्जी का और दूसरी कर्व को नाम दे दिया था हमने काइनेटिक एनर्जी का। तो आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हम पढ़ रहे थे उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। तो हम इसकी एप्लीकेशंस में जो सबसे पहले एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं वो है टॉर्शनल ऑसिलेटर, या इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं रोटेशनल ऑसिलेटर। अब टॉर्शनल ऑसिलेटर आपके पास ऐसा ऑसिलेटर है जो आपको रोटेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको टॉर्शनल ऑसिलेटर को रोटेशनल ऑसिलेटर भी कहते हैं। अब टॉर्शनल ऑसिलेटर और रोटेशनल ऑसिलेटर ये दोनों सेम मीनिंग्स में आ जाते हैं कि टॉर्शनल ऑसिलेटर भी हमें रोटेशन प्रोवाइड करता है, और इसीलिए इसका दूसरा नाम रोटेशनल ऑसिलेटर भी है। तो चलिए इसको रोटेशनल ऑसिलेटर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास टॉर्शनल या रोटेशनल ऑसिलेटर है वो है क्या। रोटेशन में हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास हो वो रोटेशन तब करेगा जब उसका हर पॉइंट सर्कल में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हम टॉर्शनल ऑसिलेटर को डिस्कस कर रहे हैं ये एक ऐसा ऑसिलेटर होगा जो सर्कल में मूव करेगा, मतलब उसकी जो रोटेशन होगी, जैसे हम लेते थे पीछे सिंपल पेंडुलम में हमने ली थी कि इसकी जो रोटेशन है ये टू एंड फ्रो है, मतलब अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव करती है। तो यहाँ पर हम जो लेंगे ये हमारे पास होगी कि हमारे पास कोई डिस्क है, सर्कुलर डिस्क जो आपने देखी हुई है, नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी करते हैं डिस्क को। तो सर्कुलर जो डिस्क है हमारे पास वो जब रोटेट करेगी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डिस्क है, अब ये जो डिस्क है लेट सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट है, अब अपने सेंटर पॉइंट पर मतलब मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जब ये वाइब्रेट करेगी, टू एंड फ्रो मोशन देगी, लेकिन इसकी टू एंड फ्रो मोशन हमारे पास टर्निंग इफेक्ट की वजह से होंगी, तो इसको हम कहेंगे ये वाला जो ऑसिलेटर है ये टॉर्शनल ऑसिलेटर है। तो टॉर्शनल ऑसिलेटर में क्या होता है, हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क होती है,
इस सर्कुलर डिस्क को हम अटैच कर देते हैं किसके साथ, वर्टिकली अटैच कर देते हैं हैंगिंग वायर से, मतलब किसी स्ट्रिंग से आप अटैच कर देंगे वर्टिकली एट इट्स सेंटर। स्ट्रिंग को कहाँ पे कनेक्ट करना है, उसका जो एक पॉइंट होगा, स्ट्रिंग का एक पॉइंट जो होगा वो किसी फिक्स्ड पॉइंट के साथ होगा, और जो दूसरा स्ट्रिंग का पॉइंट होगा वो जो हमारे पास डिस्क होगी उसके सेंटर के साथ कनेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को सी का नाम दिया हुआ है, ये वाला, तो यहाँ पर इसे कनेक्ट करेंगे स्ट्रिंग के सेकेंड एंड को। अब ये जो हमारे पास होगा वाइब्रेट करेगा हॉरिजेंटली अबाउट इट्स मेन पोजीशन। जैसे आपके पास सारे ऑसिलेटर मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं, सेम उसी तरीके से ये वाला ऑसिलेटर वाइब्रेट करेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है, जिसकी वजह से यहाँ पर टर्न प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारे पास कहलाता है टॉर्क। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में, टॉर्क की वैल्यू आपके पास होती है आर क्रॉस एफ के इक्वल, और ये एक वेक्टर वैल्यू है। तो टॉर्क हम बेसिकली कहते किसे हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। मतलब अगर आपने इसके ऊपर, इस डिस्क के ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाई है, उसकी वजह से ये टर्न कर गई है, मतलब सर्कुलर वे में टर्न कर गई है और फिर वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई है और आगे एक्सट्रीम पोजीशन पर मूव कर रही है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो टॉर्क की वजह से ही ये जो है हमारे पास, ये टर्न प्रोवाइड करती है डिस्क। अब हम इस जो आज का टॉपिक है उसमें हम क्या क्या पॉइंट कंसीडर करेंगे, कि सबसे पहले हमने सिंपल केस को डिस्कस करना है, सिंपल केस ऑफ डिस्क। डिस्क को हम लेंगे और इस डिस्क को कंसीडर करते हुए इसकी मेन पोजीशन को देखेंगे, कहाँ पर इसकी मेन पोजीशन है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन को कंसीडर करेंगे और वाइब्रेट करवाएंगे इसे अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द। अब हमने यहाँ पर इसकी वाइब्रेशन से कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने लास्ट ऑसिलेटर में की थी। कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट करनी है, हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे हम, टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये ऑसिलेटर का केस ले लिया, जिसको हम टॉर्सनल ऑसिलेटर का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हाफ कैलकुलेशन, क्योंकि टॉपिक लेंथी है हमारा, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी है, तो हम क्या करेंगे, हाफ टॉपिक आज कवर करेंगे, हाफ टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास, पीछे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक डिस्क है, ये मैंने यहाँ पर एक डिस्क बनाई हुई है, ये जो मैंने ओ का नाम दिया हुआ है ये इसका सेंटर है डिस्क का, और यहाँ पर जो मैंने ओ पी का नाम दिया हुआ है ये इसकी मेन पोजीशन है, और यहाँ पर ओ क्यू का नाम दिया हुआ है एक साइड को, और एक साइड को ओ आर का नाम दिया हुआ है। मतलब ये जो दो पोजीशंस हैं क्यू और आर, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जब ये टर्न करेगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये स्ट्रिंग का सेकेंड पॉइंट इसके सेंटर के साथ कनेक्ट है, और ये वाला जो पॉइंट है अपर एंड, ये एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर हमने किसी फिक्स्ड पॉइंट को लिया हुआ है, तो हम ये जो हमारे पास है ये कोई भी स्ट्रिंग है हमारे पास, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले लें आप, एस का नाम दे दिया है मैंने। तो व्हेन वी अप्लाई द टॉर्क, जब हम टॉर्क अप्लाई करेंगे, टॉर्क का मतलब है टर्निंग इफेक्ट, इसमें जब हम प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हम सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते थे उसकी पोजीशन से और फिर छोड़ देते थे, तो उसी तरीके से हम इसे डिस्प्लेस कैसे करेंगे, हम इसे टर्न देंगे। तो जब हम टर्न देंगे तो वो वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मतलब जब हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, तो इसकी जो मेन पोजीशन है ओ पी, जिसे हमने नाम दिया ओ पी का, ये इसकी मेन पोजीशन है, डिस्क जो है अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अब हमने पीछे हम नाम देते होते थे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक्स कवर हो गया, एक्स एम कवर हो गया। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोटेशन की, तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेट सपोज मैंने इसको इसकी मेन पोजीशन से टर्न दी है ओ क्यू की तरफ, तो मेन पोजीशन से क्यू की तरफ जो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हमने नाम दे दिया थीटा का।
तो यहाँ पर हमारे पास थीटा आ गया एंगल, और टूवर्ड द मेन पोजीशन ओ क्यू, मतलब अपनी मेन पोजीशन ओ पी और ओ क्यू जो एक्सट्रीम पोजीशन है इसके इर्द गिर्द ये वाइब्रेट करना अब स्टार्ट कर देगी। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगर ये जो एंगल है हमारे पास थीटा, ये हमारे पास कब मैक्सिमम होगा? थीटा हमारे पास तब मैक्सिमम होगा जब हम इस जो हमारे पास डिस्क है इसे हम ज्यादा टर्न प्रोवाइड करेंगे, मतलब हम हमारे पास जब टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगी तब ही हमारे पास ये जो थीटा है ये मैक्सिमम होगा। इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि टॉर्क और थीटा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इक्वेशन वन आपके पास आ गई। और जब हम इस साइन को हटाते हैं तब हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता है, और यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट जो यूज कर रहे हैं वो के का कॉन्स्टेंट यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास ये केस तब था जब हमने एक साइड पर टॉर्क को देखा, सिर्फ हमने राइट साइड पर टॉर्क को देखा, इसे मैं इक्वेशन वन का नाम दे देती हूँ। इसी तरीके से जब मैं इसे पॉइंट क्यू पर ले जाकर छोड़ दूंगी तब मुझे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर खुद ब खुद वापिस आएगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पर कब वापिस आता है? जब उस बॉडी का इनर्शिया उसे फोर्स करे कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापिस चले जाओ, तब हमारे पास वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापिस आ जाती है। इनर्शिया मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जो उसे अपनी ओरिजिनल हालत में रखने पर मजबूर करती है। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है, अब सिंपल पेंडुलम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में इसी पोजीशन पर पड़ा हुआ है, मैं इसे यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाकर छोड़ देती हूँ, तो ये जो सिंपल पेंडुलम होगा ये यहाँ पर नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इस बॉडी का इनर्शिया है कुछ ना कुछ, वो इनर्शिया इसे वापस ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करेगा। तो इनर्शिया किसी बॉडी की एबिलिटी है जिसमें वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसी तरीके से जब ये डिस्क अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगी तो हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि हमने मास स्प्रिंग सिस्टम में भी पढ़ा था कि रिस्टोरिंग फोर्स जब भी होगी हमारे पास वहां पर हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास आ गया, हमने इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। इस रिस्टोरिंग टॉर्क ने डिस्क को फोर्स किया कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चली जाए, और ये किसकी वजह से हुआ? ये इनर्शिया की वजह से हुआ, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ये हमने इनर्शिया तक देख लिया। अब इनर्शिया की वजह से ये जो बॉडी होगी, आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना भी लगाएं, ये मूव करनी शुरू कर देगी बैक एंड फोर्थ, मतलब आप ऑसिलेशंस प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। तो अब हम अगर इसी जो हमने टॉपिक को डिस्कस किया है इसी को हम इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया कंसीडर करें, मतलब हम बॉडी की जो अपनी रेजिस्टिव फोर्स है, इसे रेजिस्टिव फोर्स कह लें, वो हम देख रहे हैं, उसके लिहाज से जो हमारे पास टॉर्क है, टॉर्क और इनर्शिया का क्या रिलेशन होता है आपस में? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फोर, आपने इसे प्रूव नहीं करना, ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। अगर किसी टॉपिक में इसका प्रूव करना हुआ तो वो मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन अभी हमने इससे नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। तो टॉर्क जो हमारे पास है आई अल्फा के इक्वल होता है, जिसमें ये जो आई है ये हमारे पास इनर्शिया है, और ये जो अल्फा है हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन को। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। और जब आप वेलोसिटी को नहीं देख रहे तो आप डबल डेरिवेटिव लोगे किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। मतलब डिस्प्लेसमेंट का वन टाइम डेरिवेटिव आपको वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव आपको देगा एक्सेलरेशन, इसलिए हमने यहाँ टू टाइम डेरिवेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेंशन कर दिया, जो हमें इसकी इक्वल वैल्यू दे रहा है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की है इक्वेशन फाइव में,
इसे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 4 के अंदर, तो आपको मिल जाएगी ये इक्वेशन 6। आई एज इट इज आपने रहने दिया और जस्ट अल्फा की जगह, एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पीछे आपने फाइंड आउट की थी टॉर्क की वैल्यू, इस टॉर्क की वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 6 के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वेशन 6 की लेफ्ट हैंड साइड में। टॉर्क की वैल्यू आपने पीछे फाइंड आउट की थी माइनस के थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क की बात कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने माइनस लगाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आई राइट हैंड साइड जो है ये आपकी एज इट इज रहेगी, आई डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 7। इस इक्वेशन नंबर 7 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो के है इसे डिवाइड कर देते हैं हम आई के ऊपर, आई इनर्शिया है हमारे पास, और यहाँ से जो आई है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो आपके पास टर्म है डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक डेरिवेटिव को बाहर ले लें और जो दूसरा डेरिवेटिव है उसे आप अंदर ले लें। तो ये जो होगा आपको ये प्रोवाइड करेगा वेलोसिटी, और जब अगेन उसका डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल आपको अगेन एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमने इक्वेशन 7 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। तो सिंप्लीफाई करके अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन 7 हमने देख ली, इक्वेशन 7 को हमने सिंप्लीफाई किया, हमें इक्वेशन 8 मिल गई। अब इक्वेशन 8 जो आपको मिली है, पीछे मैंने आपको बताया कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है ये आपको एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ओमेगा नॉट से। इसका मतलब है मैं इस टर्म की जगह ओमेगा नॉट पुट कर सकती हूँ, तो हमने यही किया। अब मैं ये वाली जो राइट हैंड साइड थी इसे इस साइड पर लिख रही हूँ, यहाँ पर डी ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय डी टी आपके पास आ जाएगा, और ये जो आपके पास माइनस के बाय आई थीटा है इसे मैंने इस साइड पर लिख दिया है। अब इस दोनों इक्वेशंस को और सिंपल फॉर्म में ले जाने के लिए हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं टी से। जब हम इस साइड को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी टी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, सॉरी हमने इसे मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा से तो हमारे पास ये वाली टर्म जो पीछे हमने इक्वेशन 10 फाइंड आउट की है, तो उसे हम रीअरेंज करके इक्वेशन 11 की फॉर्म में लिख सकते हैं। डी थीटा जो हमने डी थीटा से मल्टीप्लाई किया था उसे हम अंदर ले गए हैं, और जो डी ओमेगा नॉट था उसे हम बाहर ले आए हैं। तो डी थीटा बाय डी टी अगेन आपको एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ओमेगा नॉट आ गया आपके पास, और ये जो टर्म है ये एज इट इज आ गई आपके पास। तो इसको हम लिख दें ओमेगा नॉट डी ओमेगा नॉट, और ये वाली जो राइट हैंड साइड है आपके पास ये एज इट इज आ जाएगी, इक्वेशन 12 आपको मिल गई। अब हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, आप यहाँ पर लिमिट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपलिसिटी के लिए मैंने लिमिट्स अप्लाई नहीं की। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जब आप लेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपके पास, जब आप यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो थीटा स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, साथ में हमने इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगा दिया। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन 14 है ये जनरल इक्वेशन आ गई, ये हमें ये नहीं बता रही कि आपने एंगुलर वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर फाइंड आउट की है या मीन पोजीशन पर फाइंड आउट की है। तो लास्ट में हमने एक्सट्रीम और मीन दोनों को डिस्कस किया था, सेम केस हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम के इक्वल ले लेते हैं, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। कैसे जीरो होती है एंगुलर वेलोसिटी, आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वहां पर एम जी एच के अकॉर्डिंग अगर आपका आपकी हाइट मैक्सिमम है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी नहीं आती, मतलब उसमें वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं है। वेलोसिटी किस में आती है, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में, जिसको हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो v का वर्ड वहां पर है, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है
तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मतलब ओमेगा नॉट आपके पास जीरो है, तो इसको पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी और जो राइट हैंड साइड है उसमें थीटा जो है वो थीटा एम में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया अब हमारे पास। अब हम इसी इक्वेशन से सी की अगर वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो ये नेगेटिव साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो आपको एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल गई है इसे अब हम सिंपल तरीके से जैसे हमने पीछे हार्मोनिक ऑसिलेटर मास स्प्रिंग सिस्टम में किया था इसे वापस पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 14 के अंदर इस सी की जगह, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगी आपके पास। तो जब आप सी की जगह इसे पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी वेलोसिटी की। तो चलिए इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, अगेन कांस्टेंट को वापस उसी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, बाकी टर्म आपकी एज इट इज रही, ओमेगा नॉट आपके पास सेम रहा और यहाँ पर जो टर्म है ये भी आपके पास सेम रही, जस्ट सी की जगह आपने इसकी ये वैल्यू पुट कर दी जो आपने फाइंड आउट की है। अब ये वाला जो 2 है इन तीनों टर्म्स में ये कैंसल आउट हो सकता है और k बाय आई जो है राइट हैंड साइड पर इसको हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेंगे इसको हम देखते हैं। जो हमारे पास 1/2 है वो राइट साइड पर कॉमन है और k बाय आई भी कॉमन है तो उसको मैंने बाहर ले लिया और जो इंटरनल टर्म बच गई आपके पास वो ये वाली आ गई। अब ये जो साइड है आपके पास इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया, पहले मैंने ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ था, इसको हम हाफ ओमेगा नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेम केस है हमारे पास, सेम बात है। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 जो होगा इस 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको इक्वेशन 21 में मिल रही है, अगर मैं ओमेगा नॉट प्रोवाइड करूँ तो ये आपके पास प्लस माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में। अब आपने पीछे कैलकुलेशन में देखा है कि अंडर रूट के बाय आई किसके इक्वल होता है, वो ओमेगा के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर इक्वेशन 22 में ये ओमेगा पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने ओमेगा पुट कर दिया, ये मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एंगुलर जो हमारे पास वेलोसिटी है उसकी वैल्यू मिल गई जो हमें प्लस माइनस ओमेगा थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम जैसे हमने पीछे लिया था कि अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई है तो चलिए उसी से लेकर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं और फिर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को, एम्पलीट्यूड को और टाइम पीरियड को फाइंड आउट करेंगे, सेम उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए अब हम फाइंड आउट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 21 को यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन हमारे पास लेंथी है तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको, तो आप काइंडली मुझसे व्हाट्सएप पर या जूम ऐप में लाजमी डिस्कस करें। तो ये हमारा जो लेक्चर था ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है, अभी हमने इसका जो सेकंड पार्ट है वो करना है, इंशाल्लाह हम लेक्चर 4 में इसका पार्ट 2 करेंगे और इसकी बाकी जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करेंगे। आज हमने सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट किया है, तो कुछ भी कन्फ्यूजन हो आपको, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।